2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट बेस्ट प्रेजेंट एज अ एक्शन रिसर्च साइकिल। तो इसका सबसे पहले है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट बेस्ट रिप्रेजेंट एक्शन रिसर्च साइकिल। द प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट है, पहले का दूसरा है। ठीक है, प्लान सबसे करते हैं, पहले किसी चीज़ का प्लान करते हैं, फिर उस पर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट सबसे बाद में आता है। गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम एट किस पर होता है? गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम एट किस पर होता है? सब्जेक्ट एनालिसिस ऑफ कंटेंट, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड देयर इन्फ्लेशन, या जनरेट द रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दीज क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल टास्क बेस्ड स्क्रीमिंग। कौन सा आ रहा है बताइए? कादा तीसरा, जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, यानी वैल्यू ढूंढाने, जनरेट करें रिसर्च में, जनरेट करें नई चीज़ें पैदा करें, नई चीज़ें बनाएं, जनरेट करें और वैलिडेट हो दिस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन वैलिड हो। तीसरा सवाल का आंसर है। तीसरा सवाल नंबर तीन, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस सब रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय, ये है एडगर डेल। चौथा इसका कोन एक्सपीरियंस जो है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस उस किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। रिसर्च फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इन हिज हर रिसर्च, व्हाट इम्प्लिकेशन इट विल कैरी फॉर हिज हर, जो भी कर रहा हो, प्रिंसिपल्स रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च फेल हो जाता है, रिसर्चर जो है तो फेल हो जाता है, तो रिजेक्ट करने में नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में, वो अपने रिसर्चर में, रिसर्च में दैट इम्प्लिकेट, देखो कि इम्प्लिकेट कर विल कैरी, क्या इम्प्लिकेट होगा, क्या वो प्रिंसिपल क्या बनेगा कि उसका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा या सेलेक्ट होगा। तो नल हाइपोथेसिस अगर फेल हो गया रिजेक्ट करने में तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिसर्च रिजेक्ट हो जाएगा, अगर नल हाइपोथेसिस तो रिसर्च रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। सवाल नंबर, ये जवाब दो है इसका। रिसर्चर, एक रिसर्चर जो है वो फेल हो जाता है रिजेक्ट करने में किसको? नल हाइपोथेसिस को, अपने रिसर्च में, इम्प्लिकेशन में, इट विल कैरी, क्या कैरी करेगा? हिज प्रिंसिपल्स रिसर्च हाइपोथेसिस, किस हाइपोथेसिस को? कि वो जो है उसका जो है रिसर्च होगा जो वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिसर्च हाइपोथेसिस, वो रिजेक्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम ऑफ फ्यूचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या फ्यूचर, क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या फ्यूचर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फ्यूचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या फ्यूचर है? क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, पावर ऑफ सेंसरी है, परसेप्शन है, सेंसरी परसेप्शन है, पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन है, इसका पहला आंसर है। अवॉइड द पॉजिटिव अजम्पशंस एंड डाटा एनालाइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फ्यूचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च का है, क्या है? अवॉइड द पॉजिटिविस्ट टू एक्सप्रेसिंग अवॉइड द पॉजिटिविज्म ने अवॉइड करे, इसका पहला, पांचवे का पहला है अवॉइड द पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस एंड डाटा एनालाइजिंग, मतलब अवॉइड पॉजिटिविस्ट नहीं होना चाहिए उसमें रिसर्च में,
और कोई चीज़ अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए डाटा में। तीसरा हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, लर्नर का सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, थिंक एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी या पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन या एबिलिटी टू रिलेट द सेल्फ दिस अदर्स, इसका क्या आना है? इसका आएगा एबिलिटी टू रिलेट द सेल्फ वन सेल्फ विद अदर, अपने से दूसरे को एबिलिटी बनाना, एबिलिटी करना किसके, रिलेट करना अपने से दूसरे को, रिलेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पावर ऑफ सेंसरी, नहीं पावर ऑफ सेंसरी तो हो ही नहीं सकता, थिंकिंग एबिलिटी, नहीं थिंकिंग एबिलिटी भी, थिंकिंग एबिलिटी सोशल से कोई ताल्लुक नहीं है, पावर ऑफ सिंथेसिस, सिंथेटिक इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कुछ भी कर लेता, सिंथेटिक इमेजिनेशन करने से कुछ नहीं होता, एबिलिटी रिलेट, ये नहीं एबिलिटी हो उसके अंदर किस चीज़ की, अपने को दूसरे से जोड़ने की एबिलिटी हो, इसको कहते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। विच ऑफ कैरेक्टर ऑफ द फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है, एक कॉग्निटिव होता है। फॉर्मेटिव जो होता है वो ड्यूरिंग द क्लास होता है, कॉग्निटिव जो होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है, और इवैल्यूएटिव जो होता है वो हाईएस्ट लेवल पर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सबमिटिव होता, सॉरी लास्ट का सबमिटिव होता है, पहला होता है फॉर्मेटिव जो क्लास में होता है ड्यूरिंग टीचिंग क्लास, और दूसरा होता है फॉर्मेटिव के बाद होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव जो माइंड से रिलेटेड होता है, और तीसरा होता है सबमिटिव, सबमिटिव जब रिजल्ट हो जाता है, जब उसको ग्रांड मिलता है किसी चीज़ का, उस पर होता है। इवैल्यूएशन इज़ अ कंटैक्ट ड्यूरिंग टीचिंग, ये फोर इसका जवाब सातवें का। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, अब नॉन कॉग्निटिव, पहले कॉग्निटिव पूछता था अब नॉन कॉग्निटिव पूछने लगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, रिकॉलिंग, रिकॉलिंग भी नहीं है, रिकॉलिंग किसी को, रिकॉलिंग किसी को याद करना, किसी चीज़ की डिमांड करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है, कॉग्निटिव, रिकॉग्निटिव, बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, कॉग्निटिव का क्या, नॉन कॉग्निटिव क्या होता है, इसमें नॉन कॉग्निटिव जो दिमाग से जुड़ा हुआ ना हो, मतलब जो सोच से जुड़ा हुआ ना हो, ये बिलीव कर लेता व्हाट इज ट्रू, जो कि ट्रू है मान लेना बस, आइडेंटिफाई करना इसमें भी दिमाग लगता है, इम्पोर्टेंट है सेंसरी इनपुट, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें भी दिमाग लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें भी दिमाग लगता है, रिकॉलिंग इसमें भी याद करना किसी चीज़ को कि कल हुआ था, रिकॉल करना, लेकिन ये जो बिलीविंग है, बिलीव करना किसी पर, मान लेना कि हमारे बाप दादा ऐसे कर, व्हाट इज ट्रू इसको क्या कहते हैं। द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूज द रूल प्लेइंग सिमुलेशंस एंड सेल्फ इवेल्यूएशन एज अ स्ट्रेटजीज फॉर अडल्ट लर्नर्स इज नॉन एंड, अडल्ट लर्नर में क्या होता है, पेडागोजी एंड्रागोजी होता है, तो यह होता है एंड्रागोजी, क्या कहा, द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूज़ द रोल प्लेइंग, जो कि रोल प्ले करता है, किस चीज़ का रोल प्ले करता है, सिमुलेशन का, सेल्फ एवेल्यूएशन का, ऑफ स्ट्रेटजी जो है, एक मत जो सेल्फ स्ट्रेटजी का होता है सिमुलेशन करने का, अडल्ट लर्नर में वो होता है एंड्रागोजी, ठीक है, नो एंड्रागोजी होता है। दस वाँ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, कौन सा रिसर्च फॉर्मेट
फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट जो होता है, कौन सा जब फॉर्मेट बनाते हैं, फोकस करता है किस पर, हाइपोथेसिस के टेस्टिंग पर, हाइपोथेसिस के टेस्टिंग और उसके जनरलाइजेशन पर। जनरलाइज करना, टेस्ट करना क्या हाइपोथेसिस को, ये कौन से इस पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट में आएगा, एक्सपेरिमेंटल में आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो में आएगा, सच इज एक्सपेरिमेंटल एक्स पोस्ट फैक्टो में आएगा, या इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च पर आएगा, या फोनोमेनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च या केस स्टडी पर रिसर्च पर आएगा। किस पर जो है ना, फॉर्मेट फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजिंग, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और उसको जनरलाइज करना, आम करना, खास होता है तो उसको आम कर देना। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में होता है क्या, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, किस पर होता है एक्सपेरिमेंटल में और एक्स पोस्ट फैक्टो में, हाइपोथेसिस को टेस्टिंग और जनरलाइज करना। ये पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, देयर इज द कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू द अनवेलिंग ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिकल सिस्टम्स अ मॉडर्न इकोनॉमिक विद द साउंड इंस्टीट्यूशंस इज करेक्टराइज बाई द टाइमली डिसमिनेशन। तो पहले इस पर हम सवाल पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। मॉडर्न इकोनॉमिक में देखना है जैसे कि कॉमन थ्रेड, डिसमिनेशन ऑफ क्रेडिबिलिटी डाटा, अनरिवीलिंग ऑफ स्टैटिकल सिस्टम, सेलेक्टिंग ड्यूरेशन ऑफ डाटा। अब यहाँ पे आपको देखना है डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी डाटा, यहाँ तक पढ़े थे ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिंग क्रेडिबिलिटी क्या पूछा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या अहम है फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक, मॉडर्न इकोनॉमिक के लिए क्या अहम है। तो देर इज कॉमन थ्रेड, एक आम थ्रेड है क्या, रनिंग थ्रू द अनरिवेल होने पर ऑफ इंडियाज के स्ट्रैटेजिकल सिस्टम के खुलासा होने पर, कि वो क्या है मॉडर्न इकोनॉमिक, जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिकल हिकमत भरा सिस्टम है वो क्या है, रिवील किससे हुआ है, मॉडर्न इकोनॉमिक से हुआ है, विद साउंड इंस्टीट्यूशंस इज करेक्टराइज बाय, और साथ ही साथ किसके साउंड के, किसके इंस्टीट्यूशंस इज करेक्टराइज, और साउंड इंस्टीट्यूशन के साउंड के साथ जो कि बयान हुआ है बाय द टाइमिंगली वर्ड टाइमिंगली यहीं पे बताता है डिसमिनेशन ऑफ क्रेडिबिलिटी डाटा कि वो हुआ है किसके जरिए, डिसमिनेशन ऑफ। तो यहाँ पूछा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मॉडर्न इकोनॉमी, तो बाय डिसमिनेशन ऑफ क्रेडिबिलिटी डाटा, क्रेडिबिलिटी डाटा में आप पूछते हैं व्हाट इज़ द वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। अब देखते 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का क्या वर्क है, देयर इज़ अ कॉमन थ्रेड इज रोलिंग द थ्रू द अनवीलिंग ऑफ इंडियाज स्टैटिस्टिकल सिस्टम, स्टैटिस्टिकल सिस्टम यहाँ भी आ रहा है लेकिन सिस्टम का बारे में, अ मॉडर्न इकोनॉमिक विद द साउंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज करेक्टराइज बाई द टाइमली डिसमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डाटा, अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी नीड ऑफ एम्पिरिकल बेसिस ऑफ द इशूज ऑफ द वेरियसी ऑफ द डाटा विच विल इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस इन अ कंट्री विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द यूथ हाँ डाटा एंड नेशनल डेवलपमेंट स्पेशली इन द कोर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड द हेल्थ एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट विल बी द क्रिटिकल हेयर इज द कॉमन ऑफ द रूल ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। यहाँ पे आ गया नेशनल स्टैटिस्टिकल थर्ड फिफ्थ लाइन में, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन अ बॉडी क्रिएटेड
अ बॉडी क्रिएटेड टू द इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड आ रहा है चौथे नंबर पांचवें नंबर पर ये लाइन में बॉडी स्टैंडर्ड आ रहा है, नेशनल कमीशन टू द बॉडी स्टैंडर्ड, इस लाइन को पढ़िए, द नेशनल स्टैटिकल कमीशन अ बॉडी क्रिएटेड टू द टू इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड क्वेश्चनिंग अ ग्लोबल इनहांस फोनोमेना, ग्लोबल फोनोमेना के बारे में नहीं पूछा यहाँ पर, बोला व्हाट इज द नेशनल स्टैटिकल कमीशन, तो स्टैटिकल कमीशन जो है ना एक बॉडी है जो कि क्रिएट करता है क्या स्टैंडर्ड, इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड क्रिएट क्या करता है, इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड करता है क्रिएट, तो इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड देखिए कहाँ पे स्टैंडिंग इस्टैब्लिश फर्स्ट में ही है, क्वेश्चन डाटा डिक्ट नहीं, क्वेश्चन ऑफिशियल नैरेटिव नहीं, सपोर्ट ऑफ रिपब्लिक परसेप्शन ये भी नहीं, तीनों में से कोई नहीं, फर्स्ट है इसका इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड बहुत ईजी है। चौथा का सवाल, तीसरा सवाल, तेरहवा सवाल आता है, व्हाट डज द पैसेज अल्टीमेटली सजेस्ट द नेशनल स्टैटिकल कमीशन, कहा कि व्हाट डज पैसेज से क्या कहा जाता है अल्टीमेटली आखिरी तौर पर सजेस्टेड नेशनल स्टैटिकल कमीशन को कि वह रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी डिसीजन लें क्रिटिकली एग्जामिनिंग डाटा द वेरिसिटी करे, स्टिक टू कैलेंडर ऑफ डाटा डिसमिनेशन करे, सपोर्ट द डेवलपमेंट अक्रोर द, तो व्हाट इज डज द पैसेज के इसका आता है स्टैटिक टू कैलेंडर ऑफ डाटा डिसमिनेशन, आइए पढ़ते हैं, स्टैटिकल इज द कॉमन थ्रेड द एवरेज ऑफ द स्टैटिकल कमीशन, स्टैटिकल कमीशन इसका आता था क्वेश्चन ऑफिशियल नैरेटिव फोनोमेना नैरेटिव, हाँ द ऑफिशियल नैरेटिव इस लाइन में, द ऑफिशियल नैरेटिव इज ऑलवेज क्वेश्चनिंग बाई द पीपल ऑन अदर साइड ऑफ द फैंस, तेरहवा क्वेश्चन का सवाल का जवाब है स्टैटिक टू कैलेंडर ऑफ डाटा डिसमिनेशन, यहाँ देखिए डाटा डिसमिनेशन है, डाटा डिसमिनेशन इज एसेंशियल टू द आउट ऑफ विच लाइव ऑफ द पीपल ऑन अदर साइड ऑफ द फैंस, डिसमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डाटा, इकोनॉमिक डाटा एसेंशियल, स्टिक अ कैलेंडर डाटा डिसमिनेशन आ गया ना, डिसमिनेशन स्टिक टू कैलेंडर द ऑफिशियल नैरेटिव ऑलवेज क्वेश्चनिंग बाय द पीपल ऑन अदर साइड ऑफ फैंस, द डिसमिनेशन इकोनॉमिक डाटा इज एसेंशियल टू द रिसर्च आउट टू द पब्लिक हु लिव देयर reality, lack of data will adversely impact on the quality of nation's policy, India must strengthen the institutions such as the central statistical commissions, these institutions must generate the autonomous insulted from the external interference, the enhanced opportunity autonomy will be the make their work credible indicator of operation autonomy, their ability to stick to, यहाँ पे आया India's autonomy is their ability to stick dissemination calendar, आ गया आखिरी लाइन से ऊपर है, What does the passage ultimately आखिर में क्या कहता है suggestion nations statistical commissions कि वो क्या हो stick हो stick करो यानी सख्ती करो क्या कैलेंडर पर सालों पर of the data सालों के data पर वो dissemination करने के लिए ठीक है क्या कहा है आखिर में कि their ability to stick
कि उसकी एबिलिटी क्या हो कि वो स्टिक करे टू द डिसमिनेशन, डिसमिनेश करने के लिए. कैलेंडर कहते हैं कि ईयरली, साल भर में. रिगार्डिंग रेस ऑफ व्हाट द डाटा इंडिकेट, उसके अकॉर्डिंग डाटा क्या कह रहा है. चौदहवा आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इम्पैक्टेड बाय, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यूथ पॉपुलेशन, नेशनल डेवलपमेंट, इशू ऑफ